अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू बना ब्लू हाउस कैप्टन। आज स्कूल में बहुत हलचल है, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स भी जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर क्या होने वाला है। तभी टीचर क्लास में आती हैं। बच्चों, आपके स्कूल में हाउस कैप्टन्स के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। जिन बच्चों को भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम सबमिट करवा दें। इस बार इलेक्शंस के साथ साथ आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स भी काउंट होंगे। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी होंगे वही जीतेगा। वाव, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये गट्टू। हाँ चिंकी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। गट्टू, यूनिट टेस्ट में तो हमारे पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं ना? हाँ चिंकी। तो गट्टू, तुम भी इलेक्शंस में पार्ट लो ना और हमारे ब्लू हाउस के कैप्टन बन जाओ। क्या मैं? अरे नहीं चिंकी, मैं कैसे इलेक्शंस में पार्ट ले सकता हूँ? मैंने पहले कभी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया है। अरे तो क्या हुआ गट्टू, कभी पार्ट नहीं लिया है तो अब ले लो। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो, मैं बताता हूँ तुम्हें सोचकर। फिर क्लास शुरू हो जाती है और सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है। तो गट्टू, क्या सोचा तुमने? इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हो ना? ओ चिंकी, तुम भी ना, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड करूँ मैं? और वैसे भी भले ही मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा है पर वोट्स का क्या? स्कूल में सबसे पॉपुलर बच्चा तो बनी है ना, तो मुझे वोट्स कैसे मिलेंगे? अरे गट्टू, तुम आगे तो बढ़ो, उसके बाद देखना तुम्हें वोट्स भी मिलेंगे और तुम जीतोगे भी। ठीक है चिंकी, तो मैं अभी जाकर टीचर को अपना नाम दे देता हूँ। फिर गट्टू अपना नाम इलेक्टिंग कैंडिडेट्स में लिखवा आता है। पता है चिंकी, टीचर ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा और ये भी कहा कि उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है। अब तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ गया है। ये हुई ना बात गट्टू, चलो अब अपने इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दो। फिर गट्टू जोर शोर से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देता है। उसके मार्क्स तो अच्छे थे ही, इसलिए अब उसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स इकट्ठे करने थे। चिंकी, कल से स्कूल में हमारी कैंपेनिंग शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले हमें पोस्टर्स बनाने होंगे। कैसे पोस्टर्स गट्टू? चिंकी, हमें बड़े बड़े चार्ट पेपर्स के पोस्टर्स बनाने होंगे जिसपे हमें लिखना होगा कि वोट फॉर गट्टू, और उसके साथ हमें एक शानदार स्पीच भी लिखनी होगी। है? अब ये स्पीच क्या होगी गट्टू? अरे चिंकी, हमें एक ऐसी स्पीच तैयार करनी होगी जिससे लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं और मुझे ही वोट दें। हाँ हाँ गट्टू, मैं समझ गई। पर गट्टू, ये तो बहुत सारा काम है ना, हम दोनों मिलकर भी इतना सारा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चिंकी। क्या किया जाए फिर? ओह, आइडिया। क्या हुआ चिंकी, क्या आइडिया है? अरे गट्टू, हम लोग जल्दी से गुड्डी और हरी को बुलाकर लेकर आते हैं, वो दोनों हमारी पोस्टर्स बनाने में मदद करेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी स्पीच सोच भी पाएंगे हम लोग। तो फिर अब देर किस बात की, चलो जल्दी से चलकर उन्हें बुला कर लाते हैं। फिर गट्टू और चिंकी गुड्डी और हरी के घर जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। फिर चारों मिलकर गट्टू की कैंपेनिंग के लिए पोस्टर्स बनाते हैं। सब काम करते करते रात हो जाती है। दोस्तों, हमने मिलकर पोस्टर्स तो बना लिए हैं, लेकिन अभी तक स्पीच के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गट्टू, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम सब कल फिर सोचेंगे, मुझे यकीन है कि हमें जल्दी ही कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। फिर गुड्डी और हरी अपने घर चले जाते हैं और चिंकी भी सो जाती है, पर गट्टू काफी देर तक अपने स्पीच के बारे में सोचता रहता है। सुबह चिंकी जब सोकर उठती है तो देखती है गट्टू स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था। अरे गट्टू, गुड मॉर्निंग, ये तुम सुबह सुबह क्या लिख रहे हो? चिंकी, मैं अपनी स्पीच तैयार कर रहा हूँ और तुम्हें पता है मैंने काफी कुछ लिख लिया है। वाओ गट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली तुम्हारी स्पीच रेडी हो गई। हाँ चिंकी, अब आएगा ना स्कूल का ब्लू हाउस कैप्टन बनने में मजा। अरे अरे गट्टू, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अभी तो इलेक्शंस बाकी है। कुछ भी हो चिंकी, देखना जीतूंगा तो मैं ही, मेरे पोस्टर्स इतने अच्छे बने हैं और मेरी स्पीच भी कमाल की है। ठीक है गट्टू, ऑल द वेरी बेस्ट। स्कूल जाकर सभी बच्चे खूब कैंपेनिंग करते हैं
और सब अपने अपने पोस्टर्स को लेकर पूरे स्कूल में घूमते हैं। इस तरह सारा दिन बीत जाता है। अगले दिन सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे जाकर अपनी स्पीच देनी थी। उसके ठीक 2 घंटे बाद रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। चिंकी, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, मैं अच्छी स्पीच तो दे पाऊंगा ना? और क्या गट्टू, तुमने इतनी प्रैक्टिस की है, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंकी। फिर गट्टू की बारी आती है और वो अपनी स्पीच देता है। गट्टू का कॉन्फिडेंस देखकर सारे टीचर्स और बच्चे गट्टू के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। फिर सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। चिंकी, मेरा तो सारा ध्यान रिजल्ट्स पे ही लगा हुआ है, पता नहीं कौन जीतेगा। कुछ भी हो गट्टू, तुमने अपना बेस्ट दिया है ना, अब तुम टेंशन मत लो। गट्टू चिंकी बात कर ही रहे थे कि क्लास में टीचर आती है और सारे बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं। बच्चों, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। गट्टू की टेंशन और बढ़ जाती है। पर तभी टीचर अनाउंसमेंट करती है कि गट्टू को ब्लू हाउस कैप्टन चुन लिया गया है और सारे बच्चे गट्टू के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। देखा गट्टू, मैंने कहा था ना तुम्हें जीतोगे। कांग्रेचुलेशंस गट्टू। कांग्रेचुलेशंस गट्टू, अब तो पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।